भी आऊंगा, लेकिन मेरे साथ सिमरनजीत सिंह मान इस समय जुड़े हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मान साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम के अंदर। माय बिग क्वेश्चन टू यू इज कि क्या आपको लगता है ये जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं खासतौर पर कनाडा के अंदर, और ट्रूडो सरकार, कनाडा सरकार उसका समर्थन कर रही है, वाकई ये शर्मिंदगी की बात है और भारत सरकार का एक्शन ठीक है और कड़ा होना चाहिए आपकी राय में? इट शुड बी मोर स्ट्रांग, मिस्टर मान। आप ऐसे देखो, दलाई लामा जी को इंडिया ने पनाह दी है, ठीक है। अगर बाहर का मुल्क उनको मार देता है तो मोदी साहब तो चीख मारेगा ही, वो तो निराश होगा। ऐसे ट्रूडो साहब जो उधर के सिटीजन्स हैं सिख, उनको मरवा देना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और रॉ और आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस। मिस्टर मान, वहां गैंग वॉर चल रहा है, एक गैंग ने दूसरे गैंग को मार दिया, भारत सरकार का क्या लेना देना इससे? ये आपकी सोच है, पर कनाडा में सिखों को कत्ल कर देना, असैसिनेट कर देना, ये हमारी पार्टी ये सिखों का कत्लेआम करने की बात करते हैं मान साहब? आपको जिन्होंने पंजाब में हजारों बेगुनाहों का कत्लेआम किया उनकी बात करते हैं मान साहब? उनकी बात करते हैं मान साहब? आपने हजारों बच्चे पाकिस्तान के और हिंदुस्तान से आपने भेजे कहां पे? कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, तिरंगे झंडे का अपमान करने के लिए आपने खालिस्तान मान साहब बनाने, तो चले जाओ पाकिस्तान। आपने खालिस्तान बनाना, चले जाओ कनाडा। आपने अपनी बात को रखा, बिट्टा साहब आपने मिस्टर मान का मिन नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने भगत सिंह को आतंकवादी कहा था, इन्होंने भगत सिंह को, हम बिल्कुल बिल्कुल बोलने की इजाजत नहीं, इन्होंने भगत सिंह को आतंकवादी, आपने अपने वक्तव्य को रखा है, आपके वक्तव्य का सम्मान है मिस्टर बिट्टा, यू मेड योर पॉइंट। ये खालिस्तानी, पीसीआर, ये बेगुनाहों के कातिल, ये खालिस्तान का, होल्ड ऑन, बिल्कुल नहीं। इन्होंने कहा था भगत सिंह को आतंक्वादी, आप खालिस्तान की सपोर्टर बनते हो, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप पंजाब जो पाकिस्तान वाला है उसकी डिमांड क्यों नहीं करते? आपको हिंदुस्तान वाला पंजाबी क्यों चाहिए, पाकिस्तान वाला पंजाब क्यों नहीं चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, ये बिट्टा वो ही है जो अमृतसर कोतवाली में ब्लैक शीटर है, ये साइकिल चोर है, इसकी नहीं, देखिए ये आप किसी ब्लैक केस के बारे में बनी हुई है ये, नहीं उसने क्या बोला मेरे खिलाफ, ऐसी बात आपने हिम्मत क्यों की कि वो ऐसी बात मेरे खिलाफ करे आपके स्टेशन के ऊपर? ये बिट्टा कौन होता है? मैं करता हूँ, मेरे साथ बहस करो मेरे साथ, बेगुनाहों के कातलों पे राजनीति करने वालों, बहस करो मेरे साथ, 1-on-1 बहस करो। हद हो गई यार, ऐसे लोगों को आप बिठाएंगे, बहुत गलत ना, मैं ये देशद्रोही है, इन्होंने देश को तोड़ने की बात की है, इन्होंने खालिस्तान की बात की है, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। आपने तो करना कर लो, मेरी जमीर नहीं है, आपकी जमीर एंकर साहब बनती है, तो आप अपनी जमीर को देखिए, मैंने अपनी जमीर नहीं मारी, मेरे लिए हिंदुस्तान है, इसके लिए खालिस्तान है, इनके लिए पंजाब में बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले, उनको पैसे लेकर के विदेशों ने भेजा और इन्होंने माना तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले भगत सिंह को आतंकवादी कहने वाले, देखिए भारत के खिलाफ हम भी कुछ नहीं सुनेंगे, आप जानते हैं बिट्टा साहब, आप जानते हैं मेरे कार्यक्रम में भारत के खिलाफ हम भी कुछ नहीं सुनेंगे, फैक्चुअल कोई बात बोलेगा तो उसको बोलने का अधिकार है। सिमरनजीत सिंह मान, अकेले बात कर लीजिए, बिल्कुल नहीं, सिमरनजीत सिंह मान, मजिंदर सिंह, सरेआम भगत सिंह को आतंकवादी कह रहे, तिरंगे झंडे का अपमान करे, मैंने कहा और आप चैनल पे बुलाते हैं ऐसे लोगों को, बिट्टा साहब कहते हैं मैं एग्री विद यू, जो आप बात बोल रहे हैं, मैं भारत के खिलाफ हम भी नहीं कुछ सुनेंगे, लेकिन ऑल ऑडियो साउंड ओके सिमरनजीत सिंह मान, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर, मेरा सीधा सवाल है आपसे और मेरा सवाल बहुत ही अब जिम्मेदारी भरा है,
पाकिस्तान वाला पंजाब क्यों नहीं चाहिए खालिस्तानियों को, ये हिंदुस्तान वाला पंजाब भी क्यों चाहिए? और ये जो लोग हैं वो मात्र चंद लोग हैं, कनाडा के अंदर भी 15% के करीब लोग हैं ये लोग जो खालिस्तान चाहते हैं, बाकी तो खुश है। भारत के सिख तो नहीं चाहते हैं खालिस्तान, भारत के सिख तो यहां खुश है, और सिख कौम तो रक्षा के लिए बनी थी हिंदू धर्म की, आप भूल गए क्या? गुरुओं ने जो पाठ पढ़ाए थे वो भूल चुके हैं आप लोग क्या? हम आजाद हैं, ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, आप हमें इंसल्ट मत कीजिए कि हम हिंदू हैं। किसी ने नहीं बोला, मैंने बोला कि सिख कौम हिंदुओं की रक्षा के लिए तब बनाई थी। कैसे जरूरत हुई तेरी? एक एक बिट्टे को 10 नंबर का जो बदमाश कोतवाली अमृतसर का है उसके साथ तुम मेरी बात करा रहे हो, है? कैसे जरूरत पड़ी तेरे को ऐसी बात कर दी? क्यों नहीं बात? आप एक सांसद हैं, आप अपनी बात को रखिए, क्यों नहीं जरूरत होगी? अब आपसे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। बिट्टा ने आपसे क्लियर पूछा कि आपको खालिस्तान क्यों चाहिए, खाते भारत की हो, गाते खालिस्तानियों की हो, तो क्यों नहीं आपसे सवाल पूछा जाएगा? आपको अगर चर्चा छोड़नी है तो छोड़ दीजिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ, भारतवासियों के खिलाफ बोलना अलाउड नहीं होगा। ऑडियो खोलिए इनका, ऑडियो खोलिए इनका। और आप धमकाएंगे नहीं हमारे कैमरामैन को? ये हिंदुस्तान है, कानून से काम होगा। आप होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपको समर्थन होगा कई दलों का, लेकिन ये हिंदुस्तान है सर। बदमाश है कौन? बदमाश है 10 नंबर ही है वो। एमएस बिट्टा जो आतंकियों से लड़ा वो बदमाश है आपकी राय के अंदर, और आपको, और आप ये बात कह रहे हैं। सिरसा साहब, मैं सिरसा साहब को लेकर आ रहा था, बिट्टा साहब आप शांत रहिए जरा। सिरसा साहब, सिमरनजीत सिंह मान आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? पैच नंबर मजेंद्र सिंह सिरसा, मजेंद्र सिंह सिरसा जी लगता है कनेक्शन उनके साथ डिस्कनेक्ट हो गए। एमएस बिट्टा, अरे कनेक्शन सबके कट जाएंगे आप। एमएस बिट्टा लाओ इसे, लाओ इनको मेरे सामने, मान को कहां चले गए? मान साहब बुलाइए मान साहब को मेरे सामने, मान को दिखाइए। यह खालिस्तानी को, यह तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले को, यह भगत सिंह को आतंकवादी कहने वाले को, यह विदेशों में पासपोर्ट के जरिए पैसे लेकर के खालिस्तानियों को, इनको लाइए मेरे सामने, बाद में डिबेट करेंगे, पहले इसको लाइए। भाग गए वो, डिबेट छोड़ के भाग गए। दुश्मनों को चैनल सिमरनजीत सिंह मान डिबेट छोड़ के भाग गए। वो भागेंगे जी जी, मैं रुक करता हूं आपका। सिरसा साहब सिमरनजीत मान थे जो कि क्लियर कट खालिस्तानियों की पैरोकारी कर रहे थे, और उन्होंने एमएस बिट्टा के लिए भी बहुत खराब शब्दों का इस्तेमाल करा। उसके अलावा कि इन लोगों से जब सवाल पूछा जाता है कि इनको पाकिस्तान वाला पंजाब क्यों नहीं चाहिए, तब ये गुस्सा हो जाते हैं और अब चर्चा छोड़ के भाग गए हैं। देखिए, जब भी कोई, ये लोग जो इमोशंस के भाव में सिखों को जोड़ना चाहते हैं तो यही बात बोलते हैं कि देखिए महाराजा रणजीत सिंह जी का पंजाब था, बिल्कुल था, उनका पंजाब बहुत खुशबूदार सुंदर पंजाब था। हमें बड़ा फक्र है कि महाराजा रणजीत सिंह जी का पंजाब, जो कि बहुत बड़ा पंजाब था जिसमें अफगानिस्तान का भी हिस्सा था और पाकिस्तान का पंजाब भी था। तो मेरा भी ये कहना है कि मान लीजिए अगर आप, ये तो आपकी बड़ी जाति होगी कि अगर आप ये कहें कि हमें तो भारत वाला हिस्सा ही चाहिए, पाकिस्तान वाला नहीं चाहिए, ये तो पहली बात जाति होगी। इसका मतलब दो कारण है, पहला कारण आपको पाकिस्तान से तो डर लगता है या पाकिस्तान आपका दोस्त है, इन दोनों में से तीसरी कारण